सिर्फ वोट मांगने के लिए नहीं है, यह हमारा प्रोग्राम हमेशा रहता है। जब इंदिरा गांधी जी ने 10 प्रोग्राम लाए, मैं कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट था 1969 में ब्लॉक प्रेसिडेंट था। उस वक्त इंदिरा गांधी जी ने 10 प्रोग्राम लाया, उसमें लैंड रिफॉर्म्स था, बैंक नेशनलाइजेशन था, इंश्योरेंस कंपनी का था, राजे महाराजाओं का तनखा बंद करने का था। ये कार्यक्रम को देख के उस वक्त नौजवान सब कांग्रेस पार्टी के पीछे रहे और जीतते आए। वैसा ही कभी भी कांग्रेस, फिर सोनिया गांधी जी के वक्त हम ये यूपीए गवर्नमेंट में नए नए योजनाएं लाए, मनरेगा लाए, कंपलसरी एजुकेशन लाए, फूड सिक्योरिटी लाए, हेल्थ मिशन लाए, ये सब काम हमने किया। और ये लोग हमारे खिलाफ क्या बोल सकते हैं, सिर्फ यही बोल सकते हैं कांग्रेस ने सत्ता, अरे तुम्हारी गवर्नमेंट ही नहीं थी, 70 साल में क्या किया बोल के कौन बोल रहा है, 60 साल वाला बोल रहा है। तुम्हारी पैदा भी नहीं हुए थे आजादी के पहले, क्या आजादी तुम लोग लाए, क्या तुम्हारे रिश्तेदार लाए, क्या बीजेपी लाई, क्या आपकी बीआरएस लाई, लाए हम, मेहनत करे हम। ये क्या बोलते हैं हमारे पास एक कलोकियल लैंग्वेज में, मेहनत करे मुर्गा साहब, अंडा खाए फकीर साहब। तो हम मेहनत करके देश को बनाए, इधर बीजेपी आके बोलती 70 साल में क्या किया, मोदी बोलते हैं, वो बोलते बोल के उसकी बी टीम, कौन सा बीआरएस, उसकी बी टीम भी वही बोल रही है। मैं समझता हूँ दोनों की मिलके हैं और उनको जो फायदा होता है वो करेंगे, वो लड़ेंगे नहीं। लड़ने वाले कौन है, सिर्फ कांग्रेस वाले, गरीबों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए लड़ने वाले हमारे लोग हैं। तो इसलिए आप मजबूती से काम करो। देखो मोदी जी चंद जगह जाके ये पेपर बांट रहे अपॉइंटमेंट का, आप देखे होंगे टीवी, हर टीवी उनकी है, वो बताते रहते हैं, उन्होंने एक ऐसा बांट रहे, आपको एक नौकरी, आपको एक नौकरी, पेपर आप देखे होंगे। अरे 30 लाख वैकेंसीज देश में है, रेलवे में है, बैंकों में है, विश्वविद्यालयों में है, सब जगह 30 लाख नौकरियां। इन्हों देते कितना चिट्ठी, अपॉइंटमेंट ऑर्डर कितने लोगों को देते, 2000, 4000, 5000, और वो भी प्राइम मिनिस्टर बांटते हैं। अरे कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं बांटा, ये नौकरियां के चिट्ठियां ऑटोमेटिकली ये क्लर्क भेजता है, डिप्टी सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी का साइन होता है, उसको लिफाफे में डाल के तुम्हारे घर तक आता है। तो यहाँ तो मोदी जी सबको ठहरा करके, शो करके, फोटो देकर सर्टिफिकेट तुमको नौकरी मिली जाए। अरे यहाँ 30 लाख देने के बजाय 2000, 3000, 4000 नौकरी देके आप देश के युवकों को बर्बाद कर रहे। हर युवक को क्या बोले आप, आपने ये कहा हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, कौन बोले, कौन बोले भाई, 9 साल में 18 करोड़ नौकरी देने के बजाय सर्टिफिकेट दे रहा है, आप सुनिए। और उसके बाद बोले 15 लाख आना, वो कहां गए कि मालूम ही नहीं, किसी को मिला आपको नहीं, तो ये भी झूठ। क्या मोदी साहब झूठ बोल रहे हैं, क्या पैसे लेके आप झूठ बोल रहे, मेरे समझ में नहीं आ। अरे ये कैसा होता, एक देश का प्राइम मिनिस्टर
वो कैसा झूठ बोलता है, मैं इतना दे रहा हूं, मैं इतना दे रहा हूं।